Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 9, unit number 2. Class 4 in exercise 9, question number A part we have previously solved on the board. In this part, they have given us different numbers and we have to find the HCF of these numbers. Now in B, C, D part, there are word problems. Students, word problems are very easy. और उसके अंदर कोई ऐसी ट्रिक नहीं है. जस्ट वी हैव टू लर्न द वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आफ्टर रीडिंग इट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट. अली हैज 36 ऑरेंजेस एंड हारिस हैज 44 ग्रेप्स. ठीक है, अली हैज 36 ऑरेंजेस एंड हारिस हैज 44 ग्रेप्स. दे हैव टू डिवाइड दीज फ्रूट्स इक्वली इन टू ट्रेस. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच ट्रे. स्टूडेंट, इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई स्पेशल हमने एक्सरसाइज ऐसी नहीं करनी है, कुछ और हमने अप्लाई करना है. जस्ट सिंपली हमने इन टू नंबर्स का जो है एचसीएफ फाइंड आउट कर लेने. सबसे पहले एज इट इज हमने अपना जो है जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो हमने ये लिखी, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 36 और नंबर ऑफ ग्रेप्स is equal to 44. अच्छा जी, now we are going to find the largest number of fruit in each tray. Simply we are going to make the factors of 36. 36 का पहला factor 1, 36 इसको ना मैं यहाँ पे करती हूँ खुले जगह पर. 36 सबसे पहले 1, 36 का then 2, 36 का फिर आ गया जनाबी अली 3, 3 1 3 2, 36 का आ जाएगा 4, 4 9, फिर 36 का आ जाएगा 6, 6 6, फिर 36 का आएगा 12, 12 3, फिर 36 का फिर आएगा 9, 9 4, फिर 36 आएगा 12 से 12 3, फिर 36 आएगा जनाब 18, 18 2, फिर 36 आ जाएगा 36 से 1. इट्स मीन फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. नेक्स्ट इज 44 के हम जब फैक्टर्स बनाए, 44 सबसे पहले 1, फिर 44 2 2 2 2, फिर 44 जाएगा 4 के टेबल से 4 11, फिर इसके बाद जनाबे आली 44 देखें इसके बाद अब किस टेबल में जाएगा. इसके बाद अब ये जाएगा आगे 44 11 11 4, फिर 44 22, फिर 44 44. इट्स मीन अकॉर्डिंग टू this we have factors of 44 are 1, 2, 4, 11, 22 and 44. ठीक है, so when we are going to compare, ठीक है, compare हमने क्या किया, हमने इसी के अंदर, अब हमने जो है ना डेटा के अंदर हमने लिखा फैक्टर्स ऑफ 36 क्या निकले, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36, और 44 निकले 1, 2, 4, 11, 22 and 44. जब हमने अपने इन नंबर्स को कंपेयर किया, तो हमें पता चला यहाँ पे ये देखिए 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ हमारा ये 4 भी कॉमन आ रहा है. ठीक है, हमारे 2 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, और जब हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर कॉमन आते हैं तो ऐसा नंबर जो कि बड़ा हो उसको मतलब हम क्या कहते हैं, एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ आ जाएगा 4, यानी कि 4 इज द लार्जेस्ट अमाउंट नंबर ऑफ फ्रूट इन ईच ट्रे. 4 जो होगी वो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ होगी फ्रूट इन ईच ट्रे. ठीक है, क्लियर. बाकी के स्टेटमेंट सिंपली आपने जो गिवन है वो करके, और जो नंबर गिवन है आपने उसका स्टेट जस्ट उसका ऐसे फाइंड आउट करके आपने आंसर निकाल लेना. ठीक है स्टूडेंट्स.